हम्बल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि YouTube ने एक नया टूल्स लॉन्च किया है जिसको हम ब्रांड कोलैब कहते हैं। तो इसके लिए आपको कौन सा चीज़, कौन सा रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होगा, कितने कितने क्राइटेरियाज है, और उसके साथ आपका चैनल कितना बड़ा होना चाहिए या फिर आपका चैनल में कितना व्यू, सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम होना चाहिए, सारे चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देख लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए डेली शॉपिंग के साथ। मैं हूँ आशिफ इकबाल और आपका साथ शुरू कर रहा हूँ ये नया टॉपिक के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली शॉपिंग चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ ब्रांड कोलैब कैसे होता है और YouTube इसको किस तरह से आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा ये चीज़, और उसके साथ ब्रांड कोलैब में आपका हिस्सा लेने के लिए कितने क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअली होगा क्या, फेसबुक में तो आपने देखा ही होगा ब्रांड कोलैब मैनेजर, वही चीज़ यूट्यूब पर भी आएगा और ये आने वाला है 1 अगस्त से, ठीक है। तो वैसे ये प्रोग्राम पुराना है, हाँ आपने सही सुना। अपडेट क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है आपको ये पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक फेमबिट नाम का एक ऑप्शन था, मतलब प्रोग्राम था यूट्यूब का, जो ब्रांड का पार्टनर मैनेजर था, ठीक है। तो उसका रीनेम हो रहा है, जिसको यूट्यूब ने नाम दिया है ब्रांड कनेक्ट, मतलब एक ब्रांड के साथ एक यूट्यूबर आपस में कनेक्ट हो सकता है और यूट्यूब बेसिकली ब्रांड देखेगा एक यूट्यूबर के चैनल्स पर कितने सब्सक्राइबर है, उसके साथ आपका जो मैट्रिक्स है वो हर एक चीज़, मतलब इनसाइट को ब्रांड आपको कोलैब करने के बाद चेक भी कर पाएगा कि आपके साथ वो ब्रांड का कोलैबोरेशन करना चाहता है या नहीं। तो यहाँ पर आपका क्या क्राइटेरिया होगा बताता हूँ। पहले तो आपको एक चैनल होना होगा जहाँ पर 25,000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत पड़ेगा, हाँ। तो 25,000 सब्सक्राइबर अगर हो गया, उसके बाद आपके हर एक चीज़ देखकर ब्रांड डिसाइड करेगा कि मुझे ये यूट्यूबर चाहिए या नहीं। अगर आपको पसंद आ जाए या फिर अभी नए नए काम शुरू किए हैं तो कोशिश कीजिए अपने चैनल को ग्रो करने के। तो अगर आपका काम ब्रांड को पसंद आए तो आपके साथ ब्रांड कनेक्ट हो जाएगा, इसी को YouTube ने ब्रांड कनेक्ट कहा है। और बेसिकली ये पॉलिसी बहुत पहले से था, लेकिन ये अब रीनेम हो रहा है, पहले फेमबिट था, अब ये ब्रांड कनेक्ट हो गया। उसके साथ YouTube कह रहा है कि अगर कोई भी यूट्यूबर के साथ ब्रांड कनेक्ट होता है तो आप अपना रेवेन्यू 30% तक इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब 30% तक आपका रेवेन्यू बढ़ सकता है। और उसके साथ आपको एक अच्छा चैनल पे काम करना होगा, अगर और उसके साथ ब्रांड भी देखेगा कि आप उसके प्रोडक्ट के ऊपर कितना इंटरेस्टेड हो, उसके साथ आप उस प्रोडक्ट को कितने हद तक लोगों के पास पहुंचा सकते हो इन्फॉर्मेशन को। जाहिर सी बात है 25,000 बहुत होते हैं, लेकिन 25,000 बहुत होने के बाद भी ये कंपनी तय करेगा कि आपका वीडियो कहाँ तक पहुंच रहा है, कितने इंसान पूरा वीडियो देख रहा है या नहीं, उसी के हिसाब से, आपके मैट्रिक्स के हिसाब से, इनसाइट के हिसाब से ब्रांड ये सब ठीक करेगा। और ये अपडेट, ये टूल्स ब्रांड कनेक्ट का जो अपडेट होगा, ये 1 अगस्त से आपको
अपने YouTube चैनल के क्रिएटर स्टूडियो पर ही मिल जाएगा। तो बेसिकली ये सब ही होगा। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे साथ बने रहिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप फेसबुक के डेली शॉपिंग पर या फिर इंस्टाग्राम या फिर इस वीडियो पे अगर कमेंट कर देंगे तो हम उसका जवाब दे देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।